नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले बड़ी खबर बता दें, यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाढ़ से यूपी के दर्जनों जिले बेहाल हो चुके हैं। बड़ी जानकारी बता दें आपको, सीएम योगी आज फिर करेंगे 4 बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा। बड़ी जानकारी सामने आ रही है यूपी से, जहां पर सीएम योगी आज दौरा करने जा रहे हैं और पीड़ितों से मुलाकात कर देंगे उन्हें राहत सामग्री। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और सीएम दोपहर बाद ही यूपी के 4 जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बड़ी जानकारी बता दें आपको यूपी से, जहां पर पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। बता दें कि पीड़ितों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ से यूपी के दर्जनों जिले बेहाल बताए जा रहे हैं, जहां पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बाढ़ के कारण कई समस्याएं भी हो रही हैं। इसके साथ ही सीएम योगी पहले भी दौरे पर जा चुके हैं और फिर से सीएम योगी दौरा करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही 4 जिलों का दौरा भी करेंगे। बाढ़ से यूपी का जो बुरा हाल है उससे जायजा लेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 4 जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए जा रहे हैं और दोपहर बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और पीड़ित से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री भी देंगे। जिनको जरूरत होगी राहत सामग्री की, उन्हें राहत सामग्री भी दी जाएगी योगी आदित्यनाथ के जरिए। और बाढ़ से यूपी के दर्जनों जिले जो बेहाल बताए जा रहे हैं, वहां का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और राहत सामग्री की भेंट भी देंगे। आपको बता दें कि हवाई सर्वेक्षण के दौरान ही जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों से मिल चुके हैं। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे साथ बस्ती से संवाददाता जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि बाढ़ से पीड़ित समस्याएं जो हैं वो लोगों को परेशान कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे। बबुंदर यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबुंदर, क्या वहां की अपडेट है? सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं आज। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से बाढ़ की जो ये समझ लीजिए कि आपदा की एक बार आ गई है, इस तरीके से बस्ती मंडल के तीनों जिलों में जो है बाढ़ की पूरा प्रभाव हो गया है। और बस्ती में भी लगातार जो है माझा इलाके में जो सैजू नदी उफान पे है, उससे जो है कम से कम 30-32 गाँव तो अपने चपेट में ले रखा है, जहाँ पर गाँव में भी पानी घुस चुके हैं और लोग काफी परेशान है। जिसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ है और जो की सिद्धार्थनगर दौरा करने के बाद बस्ती का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद 3 बजे उनका हेलीकॉप्टर यहाँ हेगापुर आदर्श इंटर कॉलेज में लैंड करेगा। उसके बाद वहाँ वो बाढ़ प्रभावित जो पीड़ित हैं उन पीड़ितों से मुलाकात करके उनमें राहत सामग्री भी वितरण करेंगे, उनका हालचाल भी जानेंगे और लगातार वो हर संभव मदद के लिए प्रशासन को जो है आदेश निर्देश दे रहे हैं। लगातार प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जिस तरीके से नेपाल ने बाढ़ का पानी छोड़ा है, उससे काफी लोग जो है प्रभावित है और लोग मतलब इनका जीना इस समय एकदम दुभर हो चुका है। बबुंदर, जिस तरह से वहां पे बाढ़ पीड़ित नजर आ रहे हैं, पिछली बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे थे, वहां पर भी जायजा लिया था, तब और अब के हालात में कुछ फर्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी वहां पर पहुंच चुके हैं और जायजा ले चुके हैं। जी, पिछली बार जो इस तरीके से था उससे कहीं ना कहीं जब आपकी बार कम पड़ चुकी है, लोगों के गांव में घरों में घुस चुका है पानी, लोग अपने घरों में डुबके हुए हैं और उनके दरवाजे पर पानी भरा हुआ है। जिस तरीके से सैजू नदी का जो उफान है लगातार अपने लाल निशान से 84 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, तो कहीं ना कहीं लगातार मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर के हवाई सर्वेक्षण पूरी तरीके से कर रहे हैं और उनके राहत के लिए लगातार हर संभव मदद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों को बार बार निर्देश दे रहे हैं, उसके लिए बैठक भी कर रहे हैं लगातार। अभी कल ही जो है बस्ती में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह का दौरा था, जिन्होंने भी नाव पर बैठ करके और घरों में लोगों को जो है राहत सामग्री दिया, उनसे हालचाल पूछा और उनके लिए मतलब लगातार वो लोग लगे हुए हैं। जी बबुंदर, जिस तरह से वहाँ पे जो पीड़ित है, वहाँ पर जो मौजूद थे, उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, बाहर निकाला गया है अभी फिलहाल? नहीं, अभी तो बाहर नहीं, कुछ लोगों को बाहर निकलने की बात कही गई लेकिन अभी तक लोग बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि वो अपने घरों में हैं, घरों में अभी पानी नहीं घुसा है, लेकिन उसके दरवाजे पर उनके लगन मतलब अब जो है लगातार इस तरीके से उनके घर में भी पानी हो गया मतलब पहुंच जाएगा और इस तरीके से अब उनको रेस्क्यू करने की भी जरूरत पड़ेगी अगर लगातार जिस तरीके से नदी बढ़ रही है। जय बबुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद की जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर जायजा लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 4 बाढ़ ग्रस्त
इलाकों का आज जायजा लेंगे। ले रुकल लेते अगली बड़ी खबर की ओर, जो सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है। बूढ़ी राप्ती नदी का जल स्तर बढ़ने से बांध टूट गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें सिद्धार्थनगर से, जहां पर सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं और सैकड़ों गांव जलमग्न होने से फसलें भी डूबती हुई नजर आ रही है। यूपी के सिद्धार्थनगर के इटावा तहसील क्षेत्र में मौजूद सनोली नानकर के पास अशोकवा मदरवाह बांध टूट गया है। बड़ी जानकारी बता दें, और लगातार हो रही है बारिश जिसके चलते ही यह बांध टूटा है। राप्ती नदी में पानी बढ़ने से ही बूढ़ी राप्ती नदी का जल स्तर बढ़ गया है, इसके चलते ही बांध टूट गया है। बांध टूटने के चलते ही सैकड़ों गाँव जलमग्न हो चुके हैं। पूरी घटना पर हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार, आपको बता दें कि बूढ़ी नदी में जो राप्ती है, जो घटना सामने आई है, सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं, फसलें डूब चुकी हैं, क्या अपडेट है अभी वहां की? जी, मैं आपको बता दूं, ये सिद्धार्थनगर जिला तराई क्षेत्र है जिसमें दो नदियां बहती हैं, बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी। ये अचानक से पानी नदी में बढ़ने लगा, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में जिधर देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर गाँव पूरी तरीके से महरूम हो चुके हैं। बात की जाए सिद्धार्थनगर जिले की, तो चाहे सूरजगढ़ हो, इटवा हो, डुमरियागंज हो, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग अपने घर की छतों पर बैठे हुए हैं, लोग राहत बचाव की आस में बैठे हुए हैं, लेकिन अचानक बाढ़ आने से प्रशासन भी जो है कुछ नहीं कर पा रहा है, ना ही उचित संसाधन उनको नाव की व्यवस्था करा पा रहा है, ना ही उनके लिए खाने पीने की राहत सामग्री की व्यवस्था करा पा रहा है, ना उन तक दवाएं पहुंच रही है। लोग पानी में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, लोगों की हालत बहुत बुरी है, लोग परेशान हैं, लोग मदद की आस में हैं, लेकिन स्थिति इतनी भयावह है सिद्धार्थनगर की कि उन तक राहत सामग्री भी पहुंचाने में बहुत मुश्किल हो रही है। कि बिल्कुल अनिल, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से लोग अपने घरों के छत पर चढ़ गए हैं, वो नीचे नहीं जा सकते, राहत सामग्री वहां तक नहीं पहुंच रही है, और वहीं पर कई स्थान देखने को मिल रहे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। किस तरह से सरकार उनकी मदद कर पा रही है? जैसा कि आप बता रहे हैं सरकार उनकी मदद ही नहीं कर पा रही है, और लोगों का क्या कुछ कहना है इसके ऊपर? लोग परेशान है, सिर्फ आस में बैठे हुए हैं कि किस तरीके से मेरी मदद हो, किस तरीके से हमको बाहर निकाला जाए, हम तक खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाई जाए, दवाएं पहुंचाई जाए, लेकिन संसाधन की कमी और प्रशासन की लचर व्यवस्था जो ये यहाँ के सिद्धार्थनगर की जनता झेल रही है, बाढ़ क्षेत्र में लोग अपने गाँव में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोग अब यही चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाए, राहत सामग्री उन तक पहुंचे, खाने पीने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है राष्ट्रपति को लेके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरा आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर आज से रहेंगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार से ही त्रिपुरा के अपने 2 दिवसीय दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रपति का बुधवार सुबह 11:15 बजे महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर पहुंचने का कार्यक्रम है, और ये राष्ट्रपति बनने के बाद मुर्मू का त्रिपुरा का ही पहला दौरा बताया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि इस दौरान मुर्मू अगरतला तक ही गुवाहाटी कोलकाता एक्सप्रेसवे ट्रेन और खोंगसांग यानी कि मणिपुर तक नई विस्टाडोम बोगी के साथ ही अगरतला जिरी बाम और अगरतला जन शताब्दी को हरी झंडी दिखाएंगी। बड़ी जानकारी दे दे राष्ट्रपति मुर्मू को लेके जो सामने आ रही है। मुर्मू का 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरा आज से शुरू हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, और इसके साथ ही अधिकारियों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि विक्रम हवाई अड्डे पर ही पहुंचने का कार्यक्रम है द्रौपदी मुर्मू का, और राष्ट्रपति बनने के बाद मुर्मू का जो त्रिपुरा का पहला दौरा होगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इस दौरान मुर्मू अगरतला तक गुवाहाटी कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन और खोंगसांग तक नई विस्टोम बोगी के साथ ही अगरतला जीरी बाम अगरतला जन शताब्दी को हरी झंडी दिखाने के लिए जा रही है। एक और बड़ी खबर बता दें, दिल्ली से खबर सामने आ रही है जहां पर एनजीटी का ठोस कचरे के अनुसूचित प्रबंधन का निर्देश है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली सरकार पर लगाया गया 900 करोड़ रुपए का जुर्माना। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार पर जुर्माना लगाया गया है, 900 करोड़ रुपए का जुर्माना है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ही नगर निकाय संबंधी ठोस कचरे के अनुसूचित प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में ही 900 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि तीन लेफ्टिनेंट स्थल के ही गाजीपुर और भलसवा और ओखला में ही करीब 80% कचरा पुराना है, इसका अब तक निपटान नहीं किया गया और इन तीनों स्थलों पर ही पुराने कचरे की मात्रा 300 लाख मीट्रिक टन है। और पीठ में ही न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल विल और अफरोज अहमद भी थे। और पीठ ने कहा है कि इस परिदृश्य ने राष्ट्रपति राजधानी में पर्यावरणीय आपातकाल की गंभीर तस्वीर जो है वो प्रस्तुत की है। और पीठ ने यह भी कहा है कि शासन की कमी के कारण ही नागरिकों को आपात स्थिति झेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। बड़ी जानकारी दे दें, एनजीटी को ठोस कचरे के अनुसूचित को लेकर ही 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।